हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टीपुर रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 इंडियन स्वीट्स की रेसिपी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली स्वीट की रेसिपी, जो कि है मैसूर पाक। ये साउथ की फेमस स्वीट डिश है। आप ये किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में ये बन के तैयार हो जाता है। तो हाफ कप मैंने लिया है यहाँ पर बेसन, 1 कप लिया है घी, ये देसी घी है, और 1 कप लेंगे हम शुगर। तो शुगर और घी का क्वांटिटी सेम रहेगा। तो सबसे पहले गैस पर हम एक बर्तन चढ़ाएंगे और घी को गर्म होने देंगे। उसमें से थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया था, 4 टेबलस्पून। दूसरा गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। उसमें डाल देंगे बेसन। बेसन को लो फ्लेम पर हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है ताकि इसका कच्चा फ्लेवर चला जाए। तो ये अभी हो गया है, इसे साइड में रख देंगे। और एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें डाल देंगे 1 कप शुगर और 1/2 कप पानी। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, शुगर को मेल्ट होने देंगे। अब हम इसका एक तार वाली एक चाशनी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें घी में रोस्ट किया हुआ बेसन को डाल देंगे। बेसन को पहले से रोस्ट करके रखने से बेसन में कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा और लम्स भी नहीं होगा। घी हमारा गर्म हो चुका है, जो कि हमने दूसरे गैस पर चढ़ा रखा था लो फ्लेम पर। घी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ऐसे करने से इसमें जाली आएगा, मैसूर पाक हमारा जालीदार बनेगा। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, बिल्कुल भी हाई पे नहीं रखेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं रोकना है, हमारा दोनों हाथ यहाँ पर यूज होना चाहिए। एक हाथ में हम घी डालते रहेंगे और दूसरे हाथ में हम इस तरह चलाते रहेंगे। या फिर आप इस काम में घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुगर सिरप और बेसन का मिक्सर भी गर्म है और घी भी गर्म है। तो घी हम जब गर्म गर्म इसमें डालेंगे तो इसमें जाली बनेगा। तो इसे हम चलाते रहना है, साथ ही साथ हमें घी डालते रहना है। घी हमें एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहना है। जैसे जैसे घी टिचुअल पोता रहेगा मिश्रण में, वैसे वैसे हम दूसरी बार घी डालते रहेंगे। तो इस तरह ब्याज में हम डालेंगे, तो इसीलिए हमें लगातार चलाते रहना है और घी डालते रहना है। तो इस तरह हम डालते रहेंगे जब तक कि हमारा पूरा घी खत्म ना हो जाए। तो अभी हमारा घी भी खत्म हो गया है और मैसूर पाक में बहुत अच्छा जाली भी बना है। तो पहले से ही मैंने एक ट्रे में फॉइल पेपर लगा दिया था और घी से ग्रीस कर लिया था। अब इसमें मिश्रण डाल देंगे, ऊपर से इसे थोड़ा सा बराबर कर देंगे, लेकिन ऊपर से बिल्कुल भी इसे दबाना नहीं है, क्योंकि इसमें जाली इसका खराब हो जाएगा। 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसे कट लगा देंगे। तो कट लगाने के बाद हमें इसे 2 घंटे के लिए साइड में रख देना है। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर किचन काउंटर में ही रख देंगे, ताकि अंदर ही अंदर जो इसका हीट है उसके वजह से डार्क कलर भी आ जाए और जालीदार बने। तो इसे सिल्वर पेपर और एक ढक्कन की सहायता से ढक लेंगे 2 घंटे के लिए। अब हम इस फॉइल पेपर को निकाल देंगे और हमारी मैसूर पाक को बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे निकाल देते हैं। अब मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये जो मैसूर पाक होता है, ये साइड से थोड़ा सा लाइट कलर होता है और बीच में बहुत ज़्यादा डार्क कलर और जालीदार होता है। तो एक पीस आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है अंदर से, और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ी देर में मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा और जालीदार बना है और अंदर से कितना अच्छा कलर भी आया है। आप चाहे तो इसमें और थोड़ा अच्छा कलर लाने के लिए हल्दी या येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, और
खुशहाली लाने के लिए बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। ये घर में रखे हुए तीन ही चीजों से बन जाता है। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं एक महीने के लिए किसी एयरटाइट कंटेनर में। आप इस रेसिपी को घर में एक बार ट्राई कीजिए। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो चलिए बनाते हैं दूसरी रेसिपी, जो कि है डोडा बर्फी, वो भी इंस्टेंट तरीके से 15 से 20 मिनट के अंदर। तो ये टेस्टी दानेदार इंस्टेंट डोडा बर्फी कैसे बनाया जाता है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार बना है, उतना ही टेस्टी है। चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। मावा लिया है मैंने 200 ग्राम, ये घर का बना हुआ है। पनीर भी 200 ग्राम है, ये भी घर का बना हुआ है। शुगर पाउडर लिया है 1/2 कप। कुछ बादाम को स्लाइस कर लिया है और कुछ पिस्ता को भी स्लाइस करके ले लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे 1 टेबल स्पून। चॉकलेट सिरप लेंगे 1 टेबल स्पून। कोकोआ पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून। इलायची पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। 1/4 कप दूध ले लेंगे, ये 4 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून घी ले लेंगे। तो एक ट्रे को फॉइल पेपर लगाकर घी से ग्रीस करके रख देंगे। गैस पर पैन चढ़ाएंगे, 1 टीस्पून घी डाल देंगे, उसमें डाल देंगे मावा। तो ये मावा को मैंने क्रश करके डाल दिया है। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने घर का बना हुआ मावा लिया है तो मैं इसे क्रश करके डाल रही हूँ। अब हम इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो नीचे से जल ना जाए तो हम इसे लगातार थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये घर का बना हुआ है। अब इसमें डाल देंगे ग्रेट करके मैंने जो पनीर लिया था, वो भी डाल देंगे। घर पर पनीर कैसे बनाया जाता है और घर पर मावा कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। इस टाइम पर मार्केट से कुछ भी खरीदना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम मार्केट से ये नहीं खरीदेंगे, घर पर ही बनाएंगे। अब इसमें डाल दिया दूध। दूध मैंने 1/4 कप लिया है, ये 4 टेबल स्पून है। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर। शुगर पाउडर मैंने यहाँ पर 1/2 कप लिया है। शुगर पाउडर का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध और शुगर पाउडर डालने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विड हो गया है, तो इसे हम अच्छे से मैश करते हुए पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से ये और भी ज़्यादा दानेदार बनेगा। तो इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध और शुगर पाउडर डालने के बाद आप चाहे तो इसे मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। इलायची पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। आपने अगर मार्केट का डोडा बर्फी खाया होगा तो उसमें आपने टेस्ट किया होगा, थोड़ा थोड़ा नारियल का टेस्ट आता है। तो कोई हलवाई डालते हैं और कोई हलवाई नहीं भी डालते हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। कलर लाने के लिए हमने डाल दिया इसमें कोकोआ पाउडर और डाल दिया 1 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप। आप चाहे तो इसके बदले गुड़ को पिघला कर भी डाल सकते हैं, ये अच्छा कलर तो देगा, साथ ही ये अच्छा फ्लेवर भी देगा। तो अभी आप देख सकते हैं भूनते भूनते इसका कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर के होने लगा है और पैन भी छोड़ रहा है। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 15 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाता है। तो देख सकते हैं आप कितना क्रम्बली, कितना दानेदार बना है हमारा बर्फी। चलिए इसे जमा लेते हैं। तो पहले से मैंने ट्रे तैयार कर रखा था, इसमें डाल देंगे ये मिक्सर को और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। स्पून से इसे इक्वल कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे कुछ बादाम और कुछ पिस्ता जो हमने पहले से ही कट कर रखे थे। आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो बादाम और पिस्ता डालने के बाद स्पून से इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये नहीं निकले, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं।
तो आधे घंटे के बाद हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप अपने पसंद के शेप से कट कर सकते हैं। मैं स्क्वायर पीस में कट कर रही हूँ, जैसे कि मार्केट में मिलता है। ये बर्फी थोड़ा सॉफ्ट होता है। कट करने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में आप रख सकते हैं, थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा। फ्रिज में रख कर इसे 7 से 8 दिन तक आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे हमारी तीसरी रेसिपी, कोकोनट लड्डू। कभी भी आपको अगर मीठा खाने का मन कर रहा है और समय नहीं है, 10 मिनट में आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कप दूध लिया है, 1/2 कप शुगर, कोट करने के लिए कुछ डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, 1/2 कप इलायची पाउडर, घी और लिया है थोड़ा सा मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे और घी डाल देंगे। घी हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है। ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कोकोनट इसमें डालेंगे तो कोकोनट का भी अपना ऑयल होता है, वो भी रिलीज होने लग जाएगा, तो ज़्यादा घी मत डालिए। तो घी मेल्ट होते ही हम इसमें अपना जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो डाल देंगे। इसे नारियल का बुरादा भी कहा जाता है। तो ये हम डालकर गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी हम हाथ को नहीं रोकेंगे। इसे हम चारों तरफ से इस तरह चलाते जाएंगे, नहीं तो इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका कलर। तो हम इसे इस तरह चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट इस चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध हमने यहाँ पर 1 कप लिया है, यहाँ पर दूध डाल देंगे। दूध को डिजॉल्व होने दीजिए इसमें। अभी जो हमारा नारियल का बुरादा है ये सारा दूध अब्जॉर्ब कर चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम शुगर। शुगर मैंने यहाँ पर 1/2 कप लिया है, 2 कप के लिए 1/2 कप शुगर लिया है। अब अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कम मीठा तो आप थोड़ा सा कम मीठा यूज कर सकते हैं, या ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो शुगर डालने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि शुगर भी अपना जो पानी है वो भी छोड़ने लगेगा, लिक्विड ही हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो इसे हम चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। इस तरह हम घुमाते हुए चारों तरफ से चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में जो शुगर का जो पानी है, जो लिक्विड है, वो ख़त्म हो गया है, सूख गया है। इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप डाल दीजिए कंडेंस मिल्क। अगर मिल्क पाउडर आप डाल रहे हैं और तो इसमें लम्स होने का चांस है, तो आप देखकर उसे अच्छे से घुमाते हुए चलाते हुए डालिए, नहीं तो लम्स हो जाएगा। या फिर आप इसे छान के फिर धीरे धीरे चलाते रहिए और डालते रहिए। इसमें डाल देंगे हम इलायची पाउडर, इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे एक बार और मिक्स कर देंगे। पैन को छोड़ने लग गया है, हमारा तैयार भी हो गया है लड्डू का मिक्सचर। आप देख पा रहे होंगे पैन को बिल्कुल छोड़ रहा है ये चारों तरफ से। ये बनकर रेडी हो गया है। हम इसे गैस पर नहीं रखेंगे, पैन में नहीं रखेंगे, इसे एक प्लेट में डाल देंगे और ठंडा करने के लिए इसे रख देंगे। तो थोड़ी देर इसे ठंडा होने दीजिए, पूरा हम ठंडा नहीं करना है, थोड़ी देर इसे स्प्रेड कर देते हैं फिर ठंडा होने देते हैं। तो इस तरह मैंने स्प्रेड कर दिया था, इसको ठंडा हो गया है, थोड़ा सा वार्म है। अब हम इसे लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाथ को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लीजिए और थोड़ा सा पोर्शन इसे ले लीजिए। जितनी भी बड़े आपको बनानी है, छोटे बनानी है या बड़े बनाने, इस तरह आप ले लीजिए। इस तरह घुमाते हुए आप गोल गोल लड्डू बना लीजिए। इस तरह अगर आप घुमाते हुए बनाएंगे तो इसका जो आउटर सरफेस है
वो अच्छा बनेगा, मतलब गोल भी बनेगा और चिकना भी बनेगा। हमें बिल्कुल इसे ठंडा पूरी तरह से नहीं करनी है, थोड़ा सा वार्म में हम इसे लड्डू बनाते हैं बना लेंगे। और इसे जो हमारा नारियल का बुरादा मैंने हाफ कप लिया था उसी में कोट कर लेंगे, इस तरह हम इसे कोट कर लेंगे। देखिए कितने सुंदर भी लग रहा है। बिना कोट किए हुए भी आप नारियल का लड्डू जो है ये बना सकते हैं, लेकिन ये कोट करेंगे तो बहुत सुंदर भी लगेगा। तो इस तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। इसे आप कभी भी 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं, कभी भी आपको मीठा खाना हो तो आप ये बना सकते हैं। तो इस तरह एक एक करके बना कर मैं दूसरे प्लेट में रख रही हूँ। तो सारे बन कर हमारा तैयार हो गए हैं लड्डू, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है इसका। तो 2-3 सामग्री में हम इतने अच्छे लड्डू बना सकते हैं घर पर ही। तो ये जरूर बनाइए आप, जन्माष्टमी बनाइए, गणेश पूजा में बनाइए, कभी भी बनाइए, कभी भी मीठा खाने का मन कर रहा है तो बना लीजिए। और इसे रूम टेम्परेचर पर हमें 1-2 घंटे के लिए रख देंगे, इसके बाद एक में तोड़ के दिखा चुकी हूँ। तो कैसी लगी कोकोनट लड्डू की रेसिपी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 4th रेसिपी जो कि है ब्रेड रसमलाई, यानी ब्रेड से हम रसमलाई बनाएंगे। ये स्टफ्ड ब्रेड रसमलाई है, ये बहुत टेस्टी भी लगता है और ये बनाना भी बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं इंग्रीडियंट्स। 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, शुगर लिया है 4 टेबलस्पून, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, बादाम और पिस्ता है, केसर लिया है 2 पिंच, ब्रेड लिया है 8 पीस, 3 इलायची लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है जिसे हम गार्निश करेंगे, बादाम और पिस्ता, शुगर पाउडर लेंगे हम, मावा लेंगे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले गैस पर पैन चढ़ा देंगे और उसमें डाल देंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, जैसे ही उबाल आने लगेगा तब हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख लेंगे और बीच बीच में इस तरह चलाते रहेंगे। थोड़ा सा गर्म दूध ले लेंगे, केसर को इसमें भिगो के रख देंगे, कलर आ जाएगा इससे अच्छा। इस तरह बीच बीच में हम चलाते रहेंगे वरना नीचे से दूध चल जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा केसर वाला दूध है वो डाल देंगे इसमें, और शुगर डाल देंगे। शुगर आप अपने पसंद से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी इसी में ही डाल देंगे। दूध को पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इसी में डाल देंगे इलायची। हमने इलायची को कूट के ले लिया था, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध को तब तक हमें पकाना है जब तक कि ये 1/4 ना हो जाए, यानी कि 1 लीटर का 1/4 ना हो जाए। तो अभी हमारा हो गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकानी है और ज़्यादा थिक नहीं करना है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो स्टफिंग बना लेंगे हम। हमें यहाँ पर 2-3 टेबलस्पून मावा चाहिए और इसमें 1 टेबलस्पून हमने शुगर डाल दिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स करके डाल दिया है। ब्रेड का पेस्ट लेंगे और एक ग्लास रख लेंगे उसको, और इसे गोल शेप देते हुए इसे काट लेंगे ब्रेड को। आप चाहे तो कोई कुकी कटर अगर है आपके पास तो उससे भी आप ये काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ ग्लास का यूज किया है। तो इसी तरह सारे ब्रेड के पीसेस को हम काट लेंगे। बचा हुआ जो साइड के ब्रेड्स है उसको हम ब्रेड क्रम्स बना के यूज कर सकते हैं। तो ब्रेड के पीसेस के ऊपर इस तरह हम स्टफिंग रख देंगे जो हमने मावा और ड्राई फ्रूट्स का बनाया था। इसके ऊपर और एक ब्रेड का पीस ऐसे ले लेंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इस तरह पूरी तरह नहीं प्रेस करेंगे, और साइड से थोड़ा सा पानी लगाकर इसे सील कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, वरना इसका स्पंजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सारे मैंने तैयार करके रख लिए,
और अब ठंडा भी हो गया हमारा जो मलाई है या फिर रबड़ी कह सकते हैं आप इसे। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था एक घंटे के लिए ठंडा करने के लिए। तो प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने 8 पीस ब्रेड लिया था, तो मेरे 4 ब्रेड रसमलाई बन रहे थे, तो इसमें स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं 3 सर्व कर रही हूँ। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा ठंडी ठंडी रबड़ी या फिर मलाई। आप रबड़ी को थोड़ा सा ठंडा करके लीजिए, गरम रबड़ी बिल्कुल भी ब्रेड के ऊपर नहीं डालेंगे, इससे ब्रेड टूट सकता है। तो तैयार है हमारा ब्रेड रसमलाई। कभी भी आपको मीठा खाने को मन करेगा तो आप ये फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको छेना रसमलाई बहुत मुश्किल लगता हो तो भी आप ये इजीली बना सकते हैं। हमने इसके अंदर जो स्टफिंग भरा है मावा और ड्राई फ्रूट्स का, इससे ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 5th रेसिपी जो है कस्टर्ड केक। आप ये कभी भी बना सकते हैं, बहुत आसान भी है और इंग्रेडिएंट्स भी कम लगता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैदा 1 कप, शुगर पाउडर 1/2 कप, कस्टर्ड पाउडर 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून टूटी फूटी, रिफाइंड ऑयल 1/2 कप, मिल्क 1/2 कप। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे शुगर पाउडर और इसी में डाल देंगे ऑयल। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लीजिएगा या फिर आप बटर भी ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। मैंने इस केक में दही, मिल्क मेड या फिर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो थोड़ा सा यूज भी कर सकते हैं। और एक बाउल ले लेंगे और एक स्ट्रेनर रख कर उसमें हम डाल देंगे मैदा, कस्टर्ड पाउडर। इस केक में हमें एसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर ही यूज़ किया है। और डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर और इसी में डाल देंगे बेकिंग सोडा। आप ये दोनों चीज़ ज़रूर डालें, इनो वगैरह मत डालिए इसमें। थोड़ा सा इसे छान लेंगे, बैटर हमारा स्मूथ होगा। और इसी में डाल देंगे हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह मिक्स करते जाएंगे। तो सारा डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। इसी में डाल देंगे दूध। दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह मिक्स करते जाएंगे। इस तरह का एक व्हिस्क ले लीजिए या फिर आप स्पून से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे आप जोर जोर से मिक्स मत करिए वरना हमारा केक नहीं फूलेगा। टूटी फूटी ले लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैदा, उसको कोट कर देंगे। ये करने से हमारा जो टूटी फूटी है वो जाकर केक के नीचे नहीं बैठ जाएगा। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए आप इस तरह का बैटर होना चाहिए। एक केक टिन ले लीजिए, उसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। मैं यहाँ पर बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक बार और ऑयल लगा देती हूँ। केक टिन के साइड्स को भी डस्ट कर लीजिए मैदे से या फिर बटर पेपर लगा दीजिए। अब इसमें डाल देंगे बैटर, इसे थोड़ा सा इस तरह टैप कर लीजिए और इसी के ऊपर थोड़ा सा सजाने के लिए हम डाल देते हैं टूटी फूटी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। पहले ही मैंने कुकर रख दिया था 10 मिनट के लिए रीहीट करने के लिए। उसमें नमक डालकर और एक स्टैंड रख कर अब हम इसमें केक टिन रख देंगे। कुकर का रबर और सिटी निकाल कर 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। इसके बाद हम 35 मिनट के लिए बेक कर देंगे। बीच में एक बार भी आप बिल्कुल खोलिए मत, 35 मिनट के बाद आप खोलिए। तो इस बार एक बार चाकू इंसर्ट करके चेक कर लेंगे, अगर साफ आता है तो मतलब हो गया है। तो 40 मिनट लग गए मेरे केक को बेक करने के लिए। तो अभी हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इस तरह चाकू से साइड छुड़ा लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हम एक प्लेट रखेंगे उसके ऊपर और इस तरह थोड़ा सा टैप कर लेंगे। केक को कभी भी
गर्म में डिमोल्ड मत करिए, ठंडा होने के बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे और कट भी करेंगे। तो अभी इसे कट कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर और स्पंजी कस्टर्ड केक बना है हमारा। आप इसे कभी भी टी टाइम में भी खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, या फिर कभी बर्थडे में भी बना सकते हैं। तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको, आप देख पाएंगे कि कितना स्पंजी बनी है, कितना सॉफ्ट है ये। आप इसे एक बार जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल ब्रिटानिया केक के तरह ही आता है, आप एक बार बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ये। तो ना हमने एसेंस यूज किया है, ना हमने दही, ना कोई कंडेंस मिल्क, ना कोई मिल्क पाउडर। तो कैसी लगी आपको ये केक की रेसिपी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हमारी सिक्स्थ रेसिपी है सबका फेवरेट सूजी का हलवा, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं या फिर प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं। इस तरह परफेक्ट और दानेदार सूजी का हलवा बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सूजी लेंगे हाफ कप, घी को पिघला कर मैंने लिया है हाफ कप, शुगर भी हाफ कप ही लेंगे, तीनों का सेम क्वांटिटी में लेंगे। केसर वाला थोड़ा सा दूध लिया है 2-3 चम्मच, डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिया है चॉप करके, और कुछ इलायची लिया है छोटी इलायची क्रॉस करके, थोड़े से कोकोनट लिया है स्लाइस करकर, किशमिश लिया है, थोड़ा सा नमक लगेगा हमें। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, उस पर पैन चढ़ाएंगे और घी डाल देंगे, घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसमें डाल देंगे हमारा सारा ड्राई फ्रूट्स जो हम इसमें रोस्ट करने वाले हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। अभी हमने किशमिश नहीं डाला है, वो लास्ट में डालेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो काजू और बादाम रोस्ट हो गए हैं, इसे हम निकाल देंगे। इसमें डाल देंगे किशमिश, किशमिश को भी 30 सेकेंड के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसे जलाना नहीं है हमें, तो फटाफट इसे निकाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ले लीजिए, जो नहीं पसंद है वो हटा लीजिए। तो किशमिश भी हो गया है, अब उसे निकाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हमारा स्लाइस किया हुआ नारियल। आपके पास अगर सूखा वाला नारियल है तो वो भी आप स्लाइस करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश नारियल को थोड़ा सा स्लाइस करके ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम सूजी। सूजी को भी 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है, गैस का फ्लेम लो करके इसे हमें रोस्ट करना है, जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इस तरह जब हम सूजी को घी में रोस्ट करेंगे तो सूजी का हलवा हमारा दानेदार बनेगा। इस तरह हलवा बनाएंगे तो आपको भंडारे वाले हलवे की याद आ जाएगा। डेली बेसिस पे जो हम हलवा बनाते हैं तो इससे थोड़ा सा वो अलग होता है। तो इससे ज़्यादा हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो हाफ कप मैंने सूजी लिया था, तो इसका 3 गुना मैंने पानी डाला, यानी 1.5 कप पानी डाला है। तो जितना भी आप सूजी लेंगे उसका 3 गुना पानी डालिएगा। 2 पिंच मैंने यहाँ पर नमक डाला है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इलायची डाल दिया, अब इसमें डाल दिया शुगर। अब इसे मिक्स कर देंगे। 2-3 टेबलस्पून दूध में मैंने केसर भिगो रखे थे, वो भी इसी में डाल दिया। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं। नारियल का बुरादा भी इसी में डाल देंगे, जो रोस्ट किया था हमने ड्राई फ्रूट्स और स्लाइस किया हुआ नारियल, वो भी इसी में डाल देंगे। तो सारे चीज़ों को डालकर इसमें मिला लेंगे एक बार। अभी हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। कुछ चीज़ें इसमें से जो हमने डाला है वो भंडारे वाले हलवे में नहीं डालते हैं,
अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, या फिर हम घर में क्योंकि बना रहे हैं तो हम डाल भी सकते हैं। टेस्ट लेकिन इससे एनहांस हो जाएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह चलाते रहेंगे। और 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर पका लिए। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सूजी हमारा फूल गया है। अभी बचा हुआ जो घी हमने 2 टेबलस्पून बचा लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। लास्ट में इस तरह घी डालने से ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सूजी के हलवा का। आप चाहे तो पूरा घी स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया है। तो सूजी के हलवा में घी को थोड़ा सा ऑब्जर्व होने देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे हम। अभी आप देख सकते हैं किस तरह दानेदार बना है हमारा सूजी का हलवा। ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और थोड़ा सा दानेदार भी लगेगा आपको। ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देंगे नारियल का बुरादा, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा दानेदार परफेक्ट सूजी का हलवा तैयार हो गया है। बिल्कुल 10-15 मिनट के अंदर ही ये तैयार हो गया है। इस तरह परफेक्ट और दानेदार हलवा बनाने के लिए आपको सूजी, चीनी और घी को इक्वल क्वांटिटी में लेना होगा और सूजी जितना लेंगे उसका 3 गुना पानी लेना होगा। तो कैसी लगी ये रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब बनाते हैं हमारी 7th रेसिपी, सूजी मावा गुजिया की रेसिपी। इसे आप बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 कप मैदा लिया है, चुटकी भर नमक लिया है, घी लेंगे, सूजी ले लेंगे, ग्रेट करके ड्राई कोकोनट लिया है, शुगर पाउडर लिया है, मावा लिया है, किशमिश लिया है, ड्राई फ्रूट्स में हम काजू और बादाम को चॉप करके ले लेंगे, आप पिस्ता भी ले सकते हैं, इलायची पाउडर लेंगे और लेंगे ऑयल फ्राई करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी लेंगे। तो सबसे पहले एक बड़े से बाउल में हम बीच में थोड़ा सा स्पेस कर देंगे और इसमें नमक डाल देंगे और डाल देंगे घी। घी डालने के बाद हम इसकी मोइन लगाएंगे। तो 3 से 4 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी को मेल्ट करके लीजिएगा। तो इस तरह मसल मसल कर इसमें मोइन करेंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने और डाला है इसमें। तो आप मैदा के क्वांटिटी के हिसाब से घी यूज कीजिएगा। हाथों में मुट्ठी करने पर जब तक ये बाइंड ना हो जाए तब तक हमें मोइन लगाना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो लगाएंगे। तो डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम सॉफ्टनेस होनी चाहिए। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे तो डो हमारा परफेक्ट बनेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ पानी डाल देंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो डो हमारा रेडी है। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, हल्का गीला कपड़ा ढककर। तो इसे रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। गैस पर पैन चढ़ाया, 2 टेबलस्पून घी डाल दिया। घी की गर्म होते ही हम इसमें काजू और बादाम डाल देंगे रोस्ट करने के लिए। तो काजू बादाम आप इसमें रोस्ट कर लीजिए, गैस का फ्लेम लो रखिएगा। किशमिश हम बाद में डालेंगे। बिना रोस्ट किए भी आप ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं, पर रोस्ट करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये रोस्ट हो गया है, अभी इसे हम निकाल देंगे और इसमें डाल देंगे किशमिश। तो किशमिश को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। किशमिश भी हमारा रोस्ट हो गया है, इसे भी निकाल देंगे। सेम पैन में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, इसी में डाल देंगे हम ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट को मैंने ग्रेट करके ले लिया है 1/2 कप। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। तो ये भी रोस्ट हो गया है, इसे भी निकाल देंगे और एक बाउल में। तो अब हम
पैन में डाल देंगे सूजी। सूजी को भी हमें रोस्ट करना है तो सूजी को भी रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ इसे। तो अच्छे से हम इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो सूजी भी भुन गया है हमारा, इसे भी निकाल देंगे। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पर घी डाल देंगे, इसमें डाल देंगे मावा। मावा को चाहे तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर तोड़कर इसे क्रॉस करके डाल रही हूँ। मावा को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो मावा आप अपने चॉइस से थोड़ा ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। तो मावा भी हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है हमें। तो मावा हमारा रोस्ट हो गया है, इसी में डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो हमने रोस्ट किया हुआ था, सूजी, ड्राई कोकोनट, काजू और बादाम, सब कुछ इसी में डाल देंगे। इलायची पाउडर भी इसी में ही डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने बंद कर दिया है। अब इसी में डाल देंगे शुगर पाउडर। तो शुगर आप अपने टेस्ट से थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितना भी आपको मीठा चाहिए। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। याद रखिए गैस का फ्लेम अभी बंद है, तो इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं अभी। तो मैंने बाउल में निकाल दिया है, उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। डो को चेक कर लेते हैं तब तक। तो डो भी रेडी हो गया है, वेल रेस्टेड है ये। और इसे भी थोड़ी सी मसल देंगे। तो ये भी सॉफ्ट हो गया है अच्छे से। तो इसे छोटे छोटे बॉल्स निकाल लेंगे, जितने भी आपको बनानी है, और इसके पेड़ा बना लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, बहुत सारे पेड़े एक साथ बना लेंगे। और रोलिंग बोर्ड पर इसे रखेंगे। आप चाहे तो इसमें आटा या मैदा थोड़ा सा यूज कर सकते हैं रोल करने के लिए, मैंने ऐसे ही बना लिया है। इस तरह इसका देखना सोना चाहिए। तो 4-5 एक साथ बना लेते हैं पूरियाँ, इससे हमें गुजिया बनाने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं 5-6 पूरियाँ मैंने बना लिया है। इस तरह का एक मोल्ड लिया है, गुजिया मोल्ड होता है, ये मार्केट में मिल जाता है आसानी से बर्तन के दुकान में। तो इस तरह हम गुजिया मोल्ड पे रख देंगे पूरी को, और उसमें 1 या 1.5 टेबल स्पून हम स्टफिंग डाल देंगे। चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगा देंगे इसे, पानी ज़रूर लगाइएगा इसमें। तो चारों तरफ हम पानी लगा देंगे तो ये चिपक जाएगा। तो इस तरह हम चिपका लेंगे उसे, बंद कर देंगे इसे मोल्ड को। और जो एक्सेस आटा या मैदा है उसे हम निकाल लेंगे। तो इसे अच्छे से सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक गुजिया हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी का गुजिया भी बना लेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर कहीं से भी कटे हुए नहीं होना चाहिए, गुजिया में कोई भी कट नहीं होना चाहिए, वरना ये फ्राई करने के टाइम तेल में जाकर सारे स्टफिंग निकल जाएगा, हमारा सारा तेल खराब हो जाएगा। तो इस तरह हम दूसरा भी गुजिया बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इसे भी पहले की तरह मैंने गुजिया मोल्ड पे रखा एक पूरी को, और स्टफिंग डाला बीच में, पानी लगाया साइडों में, और फिर चिपका लिया। तो देखिए ये भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बिना मोल्ड के भी दिखा देती हूँ। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह एक रोलिंग बोर्ड पर पूरी रख दीजिए, बीच में स्टफिंग डाल दीजिएगा, और साइडों में थोड़ा सा पानी लगा दीजिए और चिपका लीजिए। देखिए इस तरह आप चिपकाइएगा, अच्छे से सील होना ज़रूरी है। अब हम इसमें एक डिजाइन बना लेंगे। इस तरह पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे। तो इस तरह आप आसानी से ये डिजाइन देके गुजिया बना सकते हैं। और अगर आपको ये डिजाइन भी नहीं बनाना आता तो फिर मैं आपको दूसरा डिजाइन भी बनाकर दिखा दूंगी, जो कि सबसे आसान है। ये डिजाइन भी आपको 4-5 गुजिया बनाने के बाद आसानी से आ जाएगा। तो एक पूरी फिर से हम रख देंगे रोलिंग बोर्ड पर, बीच में स्टफिंग रख देंगे, चारों तरफ पानी लगा देंगे साइडों में, एक साइड को ले आकर दूसरे साइड्स में चिपका देंगे अच्छे से। तो अच्छे से इसे सील कर देंगे
तो इस तरह आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कीजिएगा। तो इस तरह करने के बाद हम एक फॉर्क ले लेंगे, तो आप इस तरह का एक फॉर्क ले लीजिए या फिर टूथपिक भी ले सकते हैं। तो टूथपिक से या फिर इस तरह फॉर्क लेके इस तरह निशान लगा दीजिए। तो इस तरह मार्क्स लगाएंगे, आप चाहे तो इसका डबल मार्क्स भी लगा सकते हैं, एक बार इधर से उधर और दूसरी बार उधर से इधर भी लगा सकते हैं, या फिर आप सिंगल बार भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह लगा लेंगे, आप देख सकते हैं ये भी एक डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गैस पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था पैन में, तो छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे टेस्ट करने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, इस तरह का चाहिए। तो इसमें बहुत सारा गुजिया हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इस तरह इसे अलटते पलटते रहेंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमारे चैनल पर ऑलरेडी दो तरह का गुजिया, ड्राई मावा गुजिया और चाशनी वाली मावा गुजिया की रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है। घर पर शुद्ध मावा दूध से कैसे बनाया जाता है उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो इस तरह हम बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी गैस का फ्लेम हम हाई नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट बैच का हमारा फ्राई हो गया है। तो इसे निकाल कर हम स्ट्रेनर के ऊपर रख देंगे ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए, बाकी सब भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सेकेंड बैच का भी हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं ऑयल में। तो आपके पास जितना भी स्पेस है आप उतना डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप डाल सकते हैं। अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं फ्राई करने के लिए। और इसे बीच बीच में इस तरह पलटते रहिएगा। तो ये भी हमारा फ्राई हो गया है, इस तरह हम सारे गुजिया बना लेंगे। तो एक गुजिया मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर का स्टफिंग भी आप देख सकते हैं भरा भरा सा है बिल्कुल, और बहुत क्रिस्पी और करारे भी हैं। ठंडा होने के बाद आप इसे एक महीने के लिए किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है सबका फेवरेट सुपर टेस्टी डिलीशियस गाजर का हलवा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, और वो भी बहुत कम मेहनत में, क्योंकि हम इसमें ना ग्रेट करेंगे, ना ही मावा डालेंगे, ना ही कोई कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 किलो गाजर लिया है मैंने, कट करके रखा है इसे लंबे में। कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जिसमें मैंने लिया है बादाम, पिस्ता, काजू। 5 इलायची को मैंने कूट के रखा है, आप चाहे तो इलायची पाउडर ले सकते हैं। मिल्क पाउडर लिया है, शुगर लेंगे, 2-3 टेबलस्पून घी लेंगे, देसी घी यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, और 1 किलो गाजर के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है, और साथ ही इसका जो मलाई है वो भी मैंने ले लिया है, क्योंकि मैंने बॉयल्ड मिल्क यूज़ किया है तो इसमें जो मलाई आया था वो भी मैंने ले लिया है। तो 1 किलो मैंने गाजर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह का गाजर लिया है मैंने। तो एक गाजर को मैं पीलर से पील करके आपको दिखा देती हूँ, आपको इस तरह पील करना है, बहुत ज़्यादा गहराई से पील मत कीजिएगा, इसे ऊपर से हल्का सा पील कर लीजिएगा। आप इस तरह का गाजर लीजिए, हैं लाल लाल गाजर, इससे अच्छा गाजर का हलवा बनता है। तो आप देख सकते हैं इसका दोनों साइड्स हम कट कर लेंगे थोड़ा सा, तो दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिए। गाजर लेते वक्त आप ये जरूर देखिएगा यहाँ पर वाइट या येलोनेस ज़्यादा नहीं हुआ हो, अगर है तो आप इसे कट करके फेंक दीजिएगा, वो पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा गाजर हलवा में। तो इस तरह मैंने एक गाजर को 3 पीस में कट कर लिया, अब इसको मैंने लंबे लंबे में कट कर देती हूँ। आप चाहे तो गोल गोल करके छोटे छोटे कट भी कर सकते हैं। तो इसे धो के मैंने रख लिया है, गैस पर कुकर चढ़ा देंगे, क्योंकि मैं आज कुकर में बना रही हूँ, और 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे।
इसमें डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट करके रखा था, इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट कर दूंगी। आप ऐसे भी डाल सकते हैं बिना रोस्ट किए, लेकिन रोस्ट करने से गाजर का हलवे में टेस्ट बढ़ जाता है। तो 1 टेबलस्पून और घी डाल देंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमारा रोस्ट हो गया है, मैंने निकाल दिया उसको। अब उसी में हम डाल देंगे गाजर। तो गाजर को भी हमें रोस्ट करना है, तो 3-4 मिनट के लिए हम गाजर को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे, आप बिल्कुल ही हाई रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अच्छे से इसे रोस्ट करना है, चलाते रहेंगे हम। तो गाजर को जब तक हम अच्छे से नहीं रोस्ट करेंगे तो इसमें अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो 4-5 मिनट हो गया है अभी, अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो गाजर हमारा रोस्ट हो चुका है, इसमें हम सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, अभी हम 1 कप डाल देंगे, बाद में 1 कप और डाल देंगे। क्योंकि मैं 1/2 लीटर यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैंने आधा डाला है, क्योंकि सारा दूध निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, और अपने आप इसका स्टीम निकल जाने देंगे 2 सीटी आने के बाद। आप देख पा रहे होंगे स्टीम निकल चुका है अब इसका अपने आप। अब हम इसे थोड़ा सा चला देंगे, आप देख सकते हैं ये गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आपको मैं थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह मैस हो जाता है ये, इसका मतलब गाजर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी का दूध ऐड कर देंगे जो हमने मलाई के साथ में रखा है। तो ये देख सकते हैं आप, जो मलाई था उसमें, ये भी उसमें डाल दिया मैंने। इसमें मलाई डालने से मावा और घी का काम ये करेगा, क्योंकि हम मावा नहीं डाल रहे हैं इसमें और घी भी कम डाल रहे हैं, तो मलाई हमारा मावा और घी का काम कर देगा। तो इसी तरह हम स्पैटुला या फिर लैडल के बैक साइड में ही इसे चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम हाई रख देंगे, तो ये अपने आप मैश हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैशर वगैरह से इसे मैश करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह थोड़ी देर चलाते चलाते दूध हमारा सारा सूख चुका है। अब इसमें डाल दिया हमने 1 कप शुगर और 5 इलायची जो हमने कूट के रखा था वो भी इसमें डाल दिया। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद ये वापस से लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इस टाइम पर इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर इसमें यूज किया है, आप चाहे तो मिल्क मेड या खोया भी यूज कर सकते हैं, तो मैं आज इसमें खोया या फिर मिल्क मेड यूज नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर यूज किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने रोस्ट किया हुआ था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। 1 टेबलस्पून घी बचा हुआ था वो भी हमने डाल दिया है, टोटल मैंने इसमें 3 टेबलस्पून घी यूज किया है। तो अब हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है। टोटल मुझे 25 मिनट लगी इसे बनाने के लिए। अब हम सर्व करेंगे हमारा सुपर टेस्टी डिलीशियस गाजर का हलवा। ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से। आप जरूर इसे एक बार घर में ट्राई कीजिएगा। मावा वाली गाजर की हलवा की वीडियो भी हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख लीजिएगा। और होममेड मावा की रेसिपी की उसे भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखा आपने बिना ग्रेट किए हुए, बिना मावा के कितना सुपर टेस्टी डिलीशियस गाजर का हलवा बनकर तैयार कर लिया हमने झटपट से कुकर में ही। तो आप इसे जरूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। और गाजर का हलवा बहुत पसंद भी होता है सबको, तो आप इसे जरूर घर में एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी 9th रेसिपी जो कि है बेसन के लड्डू। ये बहुत सारे फेस्टिवल आने वाला है, तो आप घर पर ही इस तरह दानेदार बेसन के लड्डू बिल्कुल हलवा स्टाइल में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स। तो बेसन मैंने लिया है 2 कप,
तगार लिया है 1 कप, घी लिया है 1 कप, कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स लिया है जिसमें काजू बादाम है स्लाइस करके, पिस्ता ले लिया है गार्निश करने के लिए, इलायची का पाउडर लिया है। तो पहले हम गैस पर पैन चढ़ाकर घी डाल देंगे 2 टेबलस्पून, घी को गर्म होने देंगे। जो चॉप के भी ड्राई फ्रूट्स लिया था जिसमें काजू और बादाम है उसको हम रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स अभी रोस्ट हो गया है, हम इसे निकाल के रख देंगे और एक पैन चढ़ाएंगे गैस पर और उसमें डाल देंगे हम घी। अभी हम सारे घी नहीं डालेंगे, 3/4 कप अभी डाल देंगे, बाकी का घी हम जरूरत पड़ने में डालेंगे। अब घी को हम मेल्ट होने देंगे, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें बेसन। बेसन को हमें भूनना है तो लो फ्लेम करके हम इसे भूनेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हम हाई नहीं रखेंगे, लो फ्लेम पर हमें बेसन को घी में भूनना है। तो अच्छी तरह से इसे भूनते रहिएगा ताकि नीचे से ये जल ना जाए, वरना नीचे से ये डार्क हो जाएगा और ऊपर से कच्चा रहेगा। तो हमें बेसन के लड्डू में वो फ्लेवर नहीं चाहिए, चारों तरफ से हमें अच्छे से पकाना है, इसे अच्छे से रोस्ट करना है। बेसन के लड्डू को बनाते वक्त हमें पेशेंस से काम लेना होगा, बहुत जल्दबाजी में हमें ये हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। अगर बेसन कच्चा रहेगा तो ये हमारे दांत में जाके चिपकेगा और अच्छा इसका फ्लेवर नहीं आएगा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मोटे वाले बेसन की यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास फाइन बेसन है तभी भी आप मेरी रेसिपी को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी दानेदार वाला बेसन के लड्डू बनेगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर फाइन बेसन लिया है। तो थोड़ा सा घी मैंने और डाल दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 2 टेबलस्पून मैंने और घी ऐड इसमें कर दिया है। तो एक साथ हम सारा घी अगर पहले ही डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा, फिर इसे हैंडल नहीं हो पाएगा, हमारा लड्डू जाकर पिचक जाएगा और लड्डू का शेप अच्छा नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फाइन बेसन में भी दानेदार लड्डू कैसे बनाया जाता है। आगे मैं बताऊंगी इसे कैसे हम दानेदार बना सकते हैं। तो इस तरह हम रोस्ट करते जाएंगे, आप देख सकते हैं इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं लड्डू को थोड़ा सा और कलर लाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें बेसन को 25 से 30 मिनट तक लगातार लो फ्लेम पर भूनना होगा, वरना ये कच्चा रह जाएगा और गले में भी चिपकेगा और दांत को भी चिपकेगा खाने के टाइम। बेसन से बहुत अच्छा अरोमा आने लगा है, बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। अब हम इसको दानेदार बनाने के लिए थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल 1-2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे इस तरह। ऐसे करने से बेसन में चाक आने लगता है और ये फूलने लगता है, इससे हमारे बेसन के लड्डू दानेदार बनता है। इस स्टेप को आप 1 से 2 बार कर सकते हैं, साथ ही आप इस पानी को सुखा भी लीजिएगा, यानी और हम इसे 5-6 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और सारे पानी को उड़ा लेंगे। तो इस तरह हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, पानी सारा सूख चुका है। अब इसे निकाल लेंगे, एक ट्रे में डाल देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, लेकिन हमें इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, इस तरह स्प्रेड करके हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी ये छूने लायक है, यानी हम इसे छू सकते हैं, इतना भी गर्म नहीं है। इसमें डाल दिया ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किया था, इलायची पाउडर और डाल दिया तगार। तगार को मैंने घर में ही बनाया हुआ है, अगर तगार की रेसिपी आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, इसकी रेसिपी अपलोड कर देंगे। तो अच्छे से तगार को क्रश करके इसमें मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद लड्डुओं का बराबर रखने के लिए यानी सेम रखने के लिए हम कुछ नाप का चीज ले लेंगे मेजरमेंट के लिए और सारा इक्वल साइज में बनाएंगे। तो इस तरह अच्छे से दबा दबा कर इसे गोल गोल इस तरह घुमाते हुए बनाएंगे और इस तरह लास्ट में कर लेंगे थोड़ा सा। इससे लड्डू की आउटर शेप जो है
वो बहुत अच्छा बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसी तरह सारे लड्डुओं को हम बना लेंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। और पिस्ता लगाने के बाद अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे, दबा देंगे और थोड़ा सा और इसे शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से हमारा लड्डू का शेप बना हुआ है। अगर हमने पहले ही बहुत सारा घी डाल देते तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता और लड्डू अच्छे से नहीं बन पाता। आगे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाला है, आप इसे घर में जरूर बनाइए। तो आज की हमारी लास्ट रेसिपी है टेस्टी और हेल्दी मखाना खीर। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रियस फूड होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तो है ही, साथ ही बहुत टेस्टी भी बनती है ये खीर। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। मखाने लिए है मैंने यहाँ पर 2 कप, दूध 4 कप लिया है, 7-8 केसर के धागे लिए हैं, घी लिया है 2 टेबलस्पून, काजू और बादाम को चॉप करके लिया है 4 टेबलस्पून, 4 इलायची को क्रश करके लिया है, शुगर लिया है 4 टेबलस्पून, 5 किशमिश लिया है, थोड़े से पिस्ता लिया है गार्निश करने के लिए। तो सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और उसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। हमें ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करना है, घी में इस तरह रोस्ट करेंगे खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे रोस्ट कर लेंगे। ये हो गया है, अभी इसे निकाल देंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना नहीं है। अब इसी में ही हम डाल देंगे किशमिश को, थोड़ी देर के लिए किशमिश को रोस्ट कर लेंगे, अब इसे भी निकाल देंगे। 1 टेबलस्पून और घी डालकर मखाने डाल देंगे उसमें, मखाने को भी हम लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। घी से इसे रोस्ट करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें खीर में। तो 2-3 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेंगे, इसे आप चाहे तो इस तरह टॉस भी कर सकते हैं। तो मखाने रोस्ट हो गए हैं अभी, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसे दरदरा पीस लेना है, तो इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे, पूरा पाउडर नहीं करेंगे। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि क्रिस्पी बना है या नहीं। तो अभी ग्राइंड कर लिया है हमने, आप देख सकते हैं ये पूरा पाउडर नहीं बना है, थोड़ा सा हमने दरदरा रखा है, कुछ साबुत पीस भी रखा है। तो गैस पर पैन चढ़ाकर हम इसमें दूध उबालने के लिए रख देंगे। दूध मैंने यहाँ पर 4 कप लिया है और ये फुल क्रीम वाला दूध है। अब हम इसमें केसर डाल देंगे थोड़ा सा। तो केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप डालिए, वरना आप वैसे भी बना सकते हैं। इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा येलोइश कलर आ जाएगा। तो खीर बनाने के लिए हमें दूध को गाढ़ा करना है, तो इसे लो टू मीडियम रखेंगे और साइड से इस तरह स्क्रब करके इसी में डाल देंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध को गाढ़ा करना है। मखाने को फूल मखाना भी कहा जाता है और पॉप्ड लोटस सीड भी कहा जाता है। इसी में डाल देंगे हम इलायची जो हमने कूट के रखा था और शुगर भी इसी में डाल देंगे। आप चाहे तो शुगर थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून डाला है। अब हम डाल देंगे इसमें मखाने, मखाने जो हमने क्रॉस करके रखा था, दरदरा ग्राइंड करके रखा था। अब इसमें डाल देंगे रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स, आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। व्रत में आप जो चीज़ नहीं खाते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह हम चलाते जाएंगे, देखते ही देखते ये थोड़ी देर में गाढ़ा होता जाएगा। तो गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और बीच बीच में इस तरह चलाते रहेंगे। बस अब ये हो गया है, इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में इसे बाहर ही रख देंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक लेयर कैसे जम गया था मलाई का। तो इसे एक बार मिक्स कर देंगे और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 1 घंटे अभी हो गए हैं, तो खीर को मैंने फ्रिज से निकाल दिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर दिया है। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है, बिल्कुल रबड़ी की तरह इसका टेस्ट आता है। तो ये हेल्दी और टेस्टी मखाने के खीर को भी घर में ज़रूर बनाइए। तो कैसी लगी आज की हमारी सुपर कैन स्वीट्स की रेसिपी?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।